दोस्तों नमस्कार। हिमाचल में स्कूल फिलहाल बंद है। कल सरकार ने फिर कह दिया कि फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि जब कोरोना के मामले रोजाना हजारों में थे, 80 लोगों की मौत, 70 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर हो रही थी, तब भी स्कूल बंद थे। जब ये संख्या घटकर 100 पहुंची, 100 से नीचे आई, तब भी स्कूल बंद थे। अब जब कोरोना के मामले रोजाना कभी 100 कभी 100 से नीचे आ रहे हैं, तब भी स्कूल बंद है। हर तबके पर असर डाला है। अगर हम देखें कोरोना ने बीते 2 वर्षों में करीब, अगर हम देखें हर तबके पर असर डाला है, लेकिन हर तबका उभरा है। कोई उभरा है, किसी को उभारा गया, कोई उभर रहा है, लेकिन एक तबका है छात्रों का जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा और जिसके दुर्गामी परिणाम हमें भुगतने होंगे, देखने होंगे, ना केवल हिमाचल को, पूरे देश को। अगर लेकिन कई राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं, हिमाचल ने स्कूल अभी तक नहीं खुले, सिर्फ स्कूल बंद है, सिर्फ स्कूल बंद है। शराब के ठेके खुल गए हैं, नेता रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। कल आपने कांग्रेस की रैली देखी होगी, जन आक्रोश रैली जिसे नाम दिया कुल्लू में, कितनी भीड़ थी। सीएम जयराम ठाकुर की आप सभाएं देख पा रहे होंगे, तमाम नेताओं की सभाएं आप देख पा रहे होंगे। कितनी गंभीर है हमारी सरकारें स्कूल को लेकर, इस बात का अंदाजा चंद लाइनों से लगाइएगा। जब मैं अभी आगे बात करूंगा, चंद सवाल जब आप अपने शेरों से पूछेगा, जब नारे लगते हैं बीते कुछ समय से कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, तो ये शेर कितना बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर है, ये सवाल तमाम आप पूछिएगा। कुछ आंकड़े आप लोगों के बीच अगर रखूं तो, जो हमने अगर हिमाचल के संदर्भ में देखें, एक छोटा सा पहाड़ी राज्य, काफ़ी समझदारी से कोरोना के समय में समझदारी दिखाई। कोरोना की जब पहली लहर आई तो बेवजह घर से बाहर नहीं निकले हिमाचल के लोग। दूसरी लहर आई तो उस समय भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जिक्र हो, वैक्सीनेशन जब से हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर भी लापरवाही नहीं की, जागरूक रहे। पहली डोज कंप्लीट की, दूसरी डोज भी कंप्लीट होने वाली है। ज़्यादा मौतें जो है मई महीने में हुई दूसरी लहर में, लेकिन उस दौरान भी ज़्यादा बुजुर्गों की मौतें हुई। हिमाचल में बच्चों की संख्या अगर मृत्यु दर देखें तो युवा भी रहे लेकिन ज़्यादा बच्चे उसमें शामिल नहीं रहे। खैर, बच्चों की जब बात होगी तो आगे मैं आपको बताऊंगा, कुछ सर्वे भी बताएंगे बच्चों पर जो सर्वे हुए हैं, और सरकार कितनी गंभीर रही इन बीते 2 वर्षों में, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की, क्या कुछ मूलभूत ढांचा बनाया सरकार ने स्कूल को खोलने को लेकर, इस पर बात करेंगे और करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देखिए, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, कई लोग होंगे जिनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिनके बच्चे हैं वो कितना परेशान नहीं रहे होंगे। देखिए, वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि कुछ अभिभावक खुद कह रहे हैं कि अभी स्कूल हम बच्चे नहीं भेजेंगे। देखिए, क्यों नहीं आप भेजेंगे? आप खुद रैलियों में नेताओं के जा रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया का जब जो है नारा लगता है तो वहाँ पे जो है अभिभावक जाते हैं, बुजुर्ग पहुँचते हैं, बुलाए जाते हैं बकायदा। और स्कूल में तो आप देखिएगा कि स्कूल में जब बच्चे जाएंगे तो वहाँ तो कोई जनसभा नहीं है, कोई रैली नहीं है, वहाँ तो सीमित संख्या है छात्रों की, बैठने की व्यवस्था है, और टीचर जिन्हें खुद वैक्सीन लग गई है वो वहाँ पर जो है मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंस। ये तमाम चीज़ें हैं, कुछ मैं सवाल आपके सामने रखूँगा, उन सवालों को जरूर पूछिएगा। हम तो बार बार पूछते आए हैं, पूछते रहेंगे कि आखिर क्यों बंद है जो है स्कूल। 2 सालों में जो है जयराम सरकार ने ऐसा कौन सा ढांचा तैयार किया कि हम जो कल का भविष्य, जिसे हम कहते हैं कि कल का भविष्य शिक्षक है, मंदिर में जा पाए, बुला पाए, हम नहीं बुला पाए 2 सालों से। क्या रूपरेखा हमने बनाई, क्या हमने किया? जब नेताओं की रैलियों में कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होती तो जो है स्कूलों में तो अध्यापक होते हैं, मैंने आपको बताया, और उन्हें तो वैक्सीन भी लग गई है, वो सोशल डिस्टेंस रखेंगे। बच्चे तो सुनते भी हैं रैलियों में, कौन किसकी सुन रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर से आया है, वहां तो पता है कहाँ से आ रहा है। दूसरा, एक सर्वे बताता है कि बच्चों में कोरोना का ज्यादा खतरा नहीं है। जो आईसीएमआर के डीजी है डॉक्टर बलराम भार्गव, उन्होंने कहा था कि छोटे बच्चे वायरल इन्फेक्शन को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। कोरोना वायरस जो रिस्पिरेटर्स से जो है फेफड़ों को संक्रमित करता है जो, तो और बच्चों में जो है इसकी संख्या कम होती है, ऐसे में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना कम है, फिर बच्चों को शिक्षा से वंचित आपने 2 सालों से क्यों रखा है?
वाकई में जो अगर ओवरऑल देखें जो बीते कई सर्वे हुए, ये सिर्फ एक सर्वे नहीं है, और भी कई प्रकार के सर्वे जब हुए अलग अलग संस्थाओं ने किए, तो उसमें ये बात सामने आई कि बच्चों में कम देखा गया है। दूसरी लहर के मद्देनजर खासतौर पर पहली लहर में डर था, दूसरी लहर में इतना नहीं है। जब हम बात करते हैं दुनिया की, अगर हम दुनिया के संदर्भ में देखें तो यूरोप के कई देश रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल के बाद दूसरी लहर के मद्देनजर प्राइमरी स्कूलों को बंद ही नहीं किया, और सरकार जो है सावधानी से उन्होंने वहां पर स्कूलों को खोला, पूरा मेंटेन रखा, सोशल डिस्टेंस तमाम चीजें रखा और बुलाया, क्योंकि उन्हें पता है कल का भविष्य हमें दुर्गामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में अभिभावक भी डरे हुए हैं भारत में तो हिमाचल में भी, तो क्या सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया कि अभिभावकों को भी समझाएं और विश्वास दिलाएं उन्हें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम स्कूलों में जो है सोशल डिस्टेंस रखेंगे, तमाम चीजें रखेंगे, और अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी गया कोई, कोरोना पॉजिटिव हो भी गया तो मीडिया को भी इसमें चाहिए कि जो है सनसनी ना फैलाएं। हो क्या रहा है बीते कुछ समय से कि स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे पॉजिटिव आ गया, एक बच्चा आ गया, दो आ गया या टीचर आ गया पॉजिटिव आ गया, तो सनसनी फैलाई जाती है। उसके बाद हेडलाइन आप तमाम अगर देखेंगे कि एक ही स्कूल में इतने बच्चे पॉजिटिव, इतने छात्र पॉजिटिव, इतने टीचर पॉजिटिव, अरे भैया पॉजिटिव तो करोड़ों में संख्या चली गई है, कितने लोग पॉजिटिव हो गए हैं और किसी में तो सिम्टम ही नहीं है फिर भी पॉजिटिव आ गए हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, डराया जाता है, माहौल बनाया जाता है, क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे कौन है, ये तमाम चीजें हमें देखनी होगी। फिर हम बात करेंगे कि जब सरकार कहती है कि ऑनलाइन शिक्षा ही जारी रहेगी, बताने की जरूरत नहीं है, मैं बीते कई संस्थानों में जब से काम किया कोरोना के बीते दो सालों में भी, तो कई जगह पर हमारे पास तो दर्जनों खबरें ऐसी आई कि कहीं पर स्मार्टफोन नहीं है, कहीं पर नेटवर्क नहीं है, किसी के माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है, किसी के बच्चों को अगर किसी ने जो है दान कर भी दिया फोन, उसको चलाना नहीं आ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं बच्चों के भविष्य को लेकर, माता पिता कई लोगों के पढ़े लिखे नहीं है, नेटवर्क नहीं, मोबाइल नहीं, गणित और विज्ञान के जो सब्जेक्ट है उनको ऑनलाइन पढ़ना मुश्किल है, और तो फिर क्यों बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ हो रहा है। आप इतनी आसानी से कैसे कह देते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा ही जारी रहेगी, स्कूल फिर बंद फिर बंद फिर बंद। तो सरकार के पास तो फिर भी देखिए ये तमाम विकल्प, और दूसरा क्या है कि आप ऑडिवन सिस्टम लागू कर सकते थे, रोल नंबर वाइज, जैसे होता है कि आज आधे बच्चे बुलाए, कल दूसरे बुलाए, या आज तमाम चीजें हो सकती है अगर कम आपने संख्या बुलानी है। ऑडिवन से अगर आपको याद आता है केजरीवाल, तो फिर आप जो है कम संख्या में बुला सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें हैं, वैसी तैयारी बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आपको करनी चाहिए थी, जैसी तैयारियां आपने बीते समय से चुनाव को लेकर कही, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निगम के चुनाव हो, लेकिन आपने जो कुछ किया करना चाहिए था, आपके पास तो अधिकारी है, दिमागदार अधिकारी है, लाखों की संख्या उठाने वाले अधिकारी है, किसी ने आपको बताया नहीं कि क्या वाकई में कैसे हम स्कूलों को खोलें। दो साल हो चुके हैं, कुछ आपने नहीं किया स्कूलों को खोलने को लेकर, आज भी बंद थे, उस समय भी बंद थे, तो आखिर क्या किया आपने। और तमाम कुछ शोध में, और आपको अगर मैं जब अभी देख रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था, तो अमेरिका में एक शोध हुआ, 25 साल से कम उम्र के लोगों में कोरोना वायरस से मौत की संभावना बेहद कम बताई गई। वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट को लेकर अभिभावकों की चिंता का जो है जो चिंता जो थी वो सीरो सर्वे ने कम कर दी है। शिक्षा में कमी बच्चों के भविष्य पर बड़े स्तर पर प्रभाव डालती है, हम सभी जानते हैं, और जो है महामारी विशेषज्ञ है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, वो उनका मैं कहीं बयान देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत कम खतरा है दूसरी लहर में, बच्चों को और शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, अब बुला लेना चाहिए, सही समय है अब जहां पर मामले कम आ रहे हैं, हिमाचल में बेहद कम अब मामले आ रहे हैं। और ऑनलाइन कक्षा का जब जिक्र होता है, वो मैंने आपको बताया है कि दिल पे हाथ रख के आप कहिएगा कि कितना आप ऑनलाइन शिक्षा से संतुष्ट हो पा रहे हैं कि संतुष्ट है, क्योंकि वो माटी, स्कूल की माटी से जो शिक्षा मिलती है, स्कूल की माटी से जो डिसिप्लिन मिलता है, वो आपको मोबाइल से नहीं मिलेगा, चाहे कितनी बड़ी आप स्क्रीन, लैपटॉप, आप डेस्कटॉप ले आइएगा बच्चों के लिए, लेकिन जो माटी, जो स्कूल के गेट के अंदर पहुंचने के बाद जो घंटी बजती है, जो प्रार्थना होती है, मॉर्निंग असेंबली होती है, जो वहाँ पहुँच कर जो एक मन में सुकून मिलता है बच्चों को, जो स्कूल का डर है, डर भी होता है, वो कहीं आपको और नहीं मिलेगा। ऐसे में जो है एक और मैं आपको यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया वो आपको बताता हूँ, बेहद गंभीर है विषय है। भारत में चार में से एक बच्चे के पास ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
इस दावे पर जब संसद में यह पूछा गया कि वाकई में ऐसा है, तो मॉनसून सत्र के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्री सवाल के जवाब में बताते नजर आए कि 24 राज्यों में करीब 3 करोड़ स्कूली बच्चों के पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक जो है डिजिटल डिवाइस नहीं है। आप यकीन मानिए 24 राज्यों में से करीब 3 करोड़ स्कूली बच्चों के पास जो है डिजिटल डिवाइस नहीं है। और ये आंकड़ा तब ज्यादा आपको डराएगा जब आप ये सुनेंगे कि इसमें यूपी का आंकड़ा जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप हैरानी होइएगा कि क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे में स्कूल बंद है जो है कई नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान मेरी नजर में तो, हमारी नजर में तो हो रहा है, बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं तो अध्यापकों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग भी इस चीज में जो है सरकार को कहें, अपनी रिपोर्ट दें, अपनी बात कहें, अपना फीडबैक दें कि देखिए हम बिल्कुल तैयार है, स्कूलों में हम सोशल डिस्टेंस रख पाएंगे। क्या आप नहीं रख पाएंगे? अभिभावकों को चाहिए, क्योंकि चिंता करना लाजमी है। देखिए बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं। आपको फीडबैक देना चाहिए, देना होगा कि देखिए स्कूल अब खोल दीजिए, मामले कम है, हमें वैक्सीन लग गई है और बच्चों को हम सोशल डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, घर भेज देंगे उसके बाद, या कम संख्या में बुलाइए। कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना होगा। ऐसा काम नहीं चलेगा कि कल कह दिया कि आगे स्कूल बंद ही रहेंगे, फिर अगली कैबिनेट में कहेंगे कि स्कूल बंद ही रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर सोचना बेहद जरूरी है, गंभीर विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो से कोई शिकायत हो तो हमसे कहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो अपने अपनों से कहिएगा। बहुत शुक्रिया।